मैडम क्यूपी जोशी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बी एस एफ इंदौर। बच्चों से परिचय प्राप्त करने के लिए आज के हमारे मैच के मुख्य अतिथि माननीय प्राचार्य श्री मनीष जैन केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बी एस एफ इंदौर, साथ में शिक्षिका। और ये मैच की शुरुआत के लिए मिलने जाते हुए मैडम कीर्ति जोशी, साथ में खेल प्रशिक्षक शाहिद अंसारी जी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बी एस एफ इंदौर। आपके सामने आप देख रहे हैं ग्रीन और ब्लैक कप्स में फुटबॉल से खेला है बारागढ़ टीम, केंद्रीय विद्यालय बारागढ़। और दाईं तरफ आप देख रहे हैं ब्लू स्ट्रिप लाइट, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बी एस एफ इंदौर। आप देख रहे हैं इंदौर के जाने माने चेहरे, बेहद इंदौर दोनों गोल रवि जी। और ये पहला शूट आउट भैरागढ़ ने पास किया अपने खिलाड़ी को 16 नंबर ने। और ये सेकंड में से बढ़ते हुए तेजी से शुरू से ही आक्रमक रहा भैया, बहुत बढ़िया। खिलाड़ी नंबर 10 ने बॉल को पास करने की कोशिश करी, निकालने की कोशिश, और ये बॉल फिर से भैरागढ़ की तरफ बढ़ते हुए बॉल को तुरंत नियंत्रण में लेना चाहिए। और ये बॉल नियंत्रण में है और ये पास पहुंची 11 नंबर के पास। 11 नंबर का समय पे संभालना पड़ेगा। और ये बॉल सीधे 8 नंबर के पास, 8 नंबर ने पास किया, पास बाहर निकल गया और बॉल भैरागढ़ के पाले में। और ये बॉल बिल्कुल सही समय पर वापस उदम पहुंचाते हुए और फिर एक बार भैरागढ़ की तरफ बॉल बढ़ते हुए बॉल पहुंचते हुए भैरागढ़ के गोल पोस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए और बॉल ये अंदर पहुंच चुकी है और इसे गोल में तब्दील किया जा सकता है एक सही समय पर। और ये शूट अगर लग गया तो गोल हो सकता है, लेकिन बॉल छूटी। स्ट्राइकर 9 नंबर, स्ट्राइकर नंबर 2 बी एस एफ इंदौर, 9 नंबर से 2 नंबर ने वापस बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, बॉल को डॉच करते हुए 7 नंबर को पहुंचाने की कोशिश, लेकिन सही समय पर सफल नहीं हो पाए। और नंबर 2 ने फिर हिट मारा है, लेकिन बीच में 14 संभाला, बहुत बड़े हिट मारा है नंबर 7 ने आगे पहुंचाने के लिए बॉल को। और खिलाड़ियों का आक्रामक रवैया थोड़ा सा। और ये 12 नंबर ने फिर बॉल ली और ये बॉल अंदर जा रही है गोल में। एक और हिट की दरकार और एक और हिट की दरकार, इस बार गोल हो सकता है, लेकिन गोल कीपर ने बहुत सही समय पर पकड़ा। मैच केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बी एस एफ इंदौर और केंद्रीय विद्यालय भैरागढ़ के बीच। 8 नंबर के पास बॉल, 8 नंबर ने हिट मारा डायरेक्ट, लेकिन अपने ही खिलाड़ी से टकरा कर बॉल वापस डॉच किया, डॉच करके बॉल आगे बढ़ रही है। 4 नंबर के पास भैरागढ़ ने आगे पास किया, लेकिन नंबर 2 ने उसे हिट करके वापस भैरागढ़ की तरफ रास्ता दिखा दिया, बॉल बाहर। जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा। नौ नंबर के पास, 9 नंबर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे
13 नंबर का इशारा, लेकिन सही समय पर पास नहीं मिल पाया। 13 नंबर के पास बॉल पहुंच गई है। 13 नंबर को सिर्फ बनाना, इस मौके को बनाना होगा। बॉल 10 के पास नहीं पहुंच पाई। बहुत बढ़िया रिटर्न, एक और रिटर्न और इसी के पास वापस फिर बॉल बढ़ते हुए गोल पोस्ट की तरफ। गोल में कपूर करना होगा समय रहते, और एक हिट के साथ गोल हो सकता है। और 11 नंबर बॉल को आगे ले जाते हुए तेजी से और
और ये बॉल तेजी से नंबर टू की तरफ बढ़ते हुए एक गोल में तब्दील हो सकता है और ये गोल हो गया है। बरागढ़ ने गोल मार दिया है। बरागढ़ ने केवी नंबर टू बीएसएफ के गोल पोस्ट में बॉल दाग दी है और पहली बढ़त ले ली है 1:0। एक बार फिर 10 नंबर खिलाड़ी के पास 10 नंबर ने डॉट्स करते हुए बॉल 12 को पहुंचाई और 12 से पहुंची 10 के पास और 10 ने डायरेक्ट शूट मार दिया। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। एक बार फिर हेड करके बॉल गोल पोस्ट में बढ़ रही है और फिर वापस और बॉल 11 नंबर के पास संत 11 नंबर निकाली 11 नंबर अच्छे शूट की दरकार आपके पास हमने कलेक्ट कर लिया बॉल को और ये हिट की जरूरत और ये बॉल बहुत करीब से बाहर निकल गई। और ये कॉर्नर लिया गया, कॉर्नर से यहाँ से बॉल बचते हुए और ये बैरागढ़ को शूट मिल रहा है। डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, इतने करीब आप नहीं खड़े हो सकते हैं और ये शूट गया सीधे खिलाड़ी के पास और ये बॉल निकल चुकी है वापस इंदौर के कब्जे में। 13 नंबर आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर
और एक खिलाड़ी पांच नंबर के पास बॉल, पांच नंबर से वापस दो नंबर के पास, तीन नंबर के पास, और अच्छी कोशिश बॉल लेने की, बॉल लेकिन बाहर चल गई। पीछे चलो, एक आगे, जल्दी पहुंचाएंगे। बहुत करीब है बॉल गोल पोस्ट के, कभी भी कभी आ सकता है गोल पोस्ट। अभी नहीं है बस, हो सकता है लेकिन बॉल अभी गोल पोस्ट के बाहर रही है, बहुत करीब है बॉल। आज का दूसरा मैच केंद्रीय विद्यालय नंबर दो बीएसएफ इंदौर और केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ के बीच। अभी तक की स्थिति इस तरह से है, केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ 1-0 की बढ़त बनाए हुए केंद्रीय विद्यालय नंबर दो बीएसएफ इंदौर के खिलाफ। और सेकंड हाफ का मैच शुरू हो चुका है, 14 नंबर खिलाड़ी ने बहुत अच्छा हिट मारा है और बैरागढ़ तेजी से अंदर घुसते हुए लेकिन वापस रिटर्न होते हुए बॉल, और फिर ये बॉल खिलाड़ी नंबर 11 के पास, 11 नंबर तेजी से आगे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी कोशिश 11 नंबर के अपने खिलाड़ी को पास, एक अच्छे हिट के दरकार और ये फिर से फिर वापस इंदौर की तरफ बढ़ते हुए बॉल, 5 नंबर खिलाड़ी के पास बॉल है। पांच नंबर खिलाड़ी थ्रो लेते हुए और फिर वापस नंबर 2 इंदौर के पास, आगे बढ़ते हुए अपने खिलाड़ी 11 नंबर के पास पास, 11 नंबर ने बहुत थ्रो लिया है, बॉल नंबर गोल पोस्ट के करीब है बॉल, एक अच्छा शूट कुछ भी कर सकता है कभी भी, और वापस 10 नंबर के पास, 10 नंबर की अच्छी कोशिश, 10 नंबर बॉल मारे और ये कॉर्नर मिलेगा। Let it go, let it go, let it go, let it go.
कीर्ति मार जोर से। मारते कीर्ति मारते गुड 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 आगे निकाल 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 हरियप
Thank you.
छोटी बारह गोल एक गोल बहुत शानदार बहुत रोमांचक में दोनों टीमों का जबरदस्त प्रदर्शन।